अभी मेरे मिस्टर नहीं है इस दुनिया में। अभी मैं, मुझे तो नौकरी भी नहीं है, मैं पेंशनर हूँ, तीन तीन बच्चे हैं मेरे पास, उसमें भी एक जिसको सुनाई नहीं आता। सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज स्टूडियो में। आज महाराष्ट्र न्यूज स्टूडियो की टीम फिर से आई हुई है लेबर कॉलोनी में। लेबर कॉलोनी में जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी लोग जमा है यहाँ पर, काफ़ी लोग जो 8 तारीख की जो डेट दी थी, आज 8 तारीख है। आज देखते हैं कि AMC की तरफ से क्या कार्रवाई, और जो कार्रवाई होने वाली है उसके खिलाफ में ये लोग क्या करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद है बाजी, बाजी बोलिए। बस हम इसलिए खड़े हैं भाई साहब, हमारे घर के लिए खड़े हुए हैं, हमारे को घर नहीं है, हम कहीं नहीं जाएंगे, बस इतना ही बोलना है हमारा। बाजी ये जो कानूनी कार्रवाई है, कोर्ट का नोटिस है, इसको आप अपोज कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पे पहले से रहते हैं उस वजह से? बहुत पहले से रहते ना, कोर्ट वाले कहाँ गए थे इतने दिन से, पहले नहीं बसने देना था ना हमारे लोग को, हमारे लोगों को पहले नहीं बसने देना था ना। गवर्नमेंट ने आप निकाला, ये बनाना है वो बनाना है, तो आप गरीब कहाँ जाएंगे? पहले की उसमें 20-30 साल पहले के उसमें और अभी के उसमें कितना फर्क है? आप बोलो हम गरीब लोग घर ले सकते क्या? हमारी इस्तेमाल रहती तो लेते थे ना, हम घर लेके बिल्कुल चल जाते थे। तो आप लोग में से किसी ने कलेक्टर वगैरह से मीटिंग की है, बात की है उस पर? जी हाँ, वो चालू है वो, मगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या है उन्होंने ऐसा आके बोलना हमसे कहना तो हम उनको जवाब देंगे ना, क्या बोलना है हमारे को, तो हमारे क्या है तो बताएंगे हम। आना चाहिए कलेक्टर साहब ने, कलेक्टर साहब ऐसे कुर्सी बैठेंगे कुछ भी बोलेंगे तो नहीं चलता ना बेटा, ऐसा नहीं चलता जी। वैसे ही हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है। मैडम आपका नाम? अलका गायकवाड़। कब से रहते हैं आप यहाँ पर? मुझे 30 साल हो रहे। अच्छा, तो ये किसको अलॉट हुआ था यहाँ पे? मेरे मिस्टर को। तो अभी आपका क्या बोलना है, प्रशासन से क्या मांग? अभी मेरे मिस्टर नहीं है इस दुनिया में, अभी मैं, मुझे तो नौकरी भी नहीं है, मैं पेंशनर हूँ, तीन तीन बच्चे हैं मेरे पास, उसमें भी एक जिसको सुनाई नहीं आता, बोलना नहीं आता, ऐसी बैठती समाधि में। अब ये खाली हो गया तो मैं किधर जाऊँगी? घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ पेंशन है। वो पेंशन है तब भी 2 महीने का, फेब्रुआरी में मेरी पेंशन आधी होने वाली है। अब मैं घर भाड़ा भरूँ क्या, क्या करूँ क्या, बच्चे संभाल कर उनका पढ़ाई करूँ, क्या करूँगी मैं? इन्होंने मुझे सर्विस भी नहीं दी अनुकंपा के इस पर। अच्छा, कहीं में थे आपके हस्बैंड? कलेक्टर ऑफिस। कलेक्टर ऑफिस में ही थे? हाँ, बाद में सोईगांव तहसील में थे, वो एक्सीडेंट में गुजर गए। जी आपका नाम बोलिए? मेरा नाम रेशमा है। जी क्या बोलना है आपका प्रशासन? हम इतने साल से रह रहे, एक पंछी का भी घर खाली करा तो इंसान को दुख होता है। अरे तुम इतने साल से क्यों रखे? फिर तुमने जब ही निकाल देना था ना, साल दो साल की तुम्हारी ड्यूटी थी, जो 70 साल 75 साल थी, आना था कार्रवाई करके निकाल देना था, इतना बसते नहीं थे ना हम। फिर हमारे बाल बच्चे स्कूल है, कॉलेज है, कहाँ कहाँ जाएंगे हम? फिर कहाँ जाएंगे हम? एक तो पहले लॉकडाउन से परेशान है इंसान, लॉकडाउन से धंधे पानी नहीं है, हमारा रोजमर्रा का काम है क्या, हम क्या गवर्नमेंट सर्वेंट है? पहले निकाल देना था ना, फिर हमारे ससुरों की जमीन पे हम रह रहे। आपके ससुरों का घर? हाँ, ससुरों का घर है, हमारे आदमी को थोड़ी गवर्नमेंट जॉब है, बेचारा पहले बीमार सीमार रहता, कहाँ से करेंगे, कहाँ से पेंशन तनखा भरेंगे, क्या घरों के किराया भरेंगे, क्या लोगों के बच्चों की फीसा भरेंगे? तुमने तुम्हारे को जब भी था ना, तुम्हारा था ना सा ये जगह तो निकाल लेना था ना, फिर कहीं को रखे हमारे को इतने दिन। वैसे हमारे साथ एक भाई भी मौजूद, इसके ताल्लुक से आप क्या सोच रहे? देखिए मेरी वाइफ यहाँ पे 2005 में नगर सेवक थी, यहाँ के लोगों ने बड़े तादाद से इनको चुन के दिया था, तो मुझे बहुत अच्छे से तरीके से मालूम है। गवर्नमेंट के जो लोग हैं, कलेक्टर जो सामने जो बैठे हैं, ये महाराष्ट्र शासन सरकार की जो भी नई सरकार बनती है, नए मुख्यमंत्री बनते हैं, इनकी दिशा भूल करते हैं कि ये लोगों ने घुसखोरी की, ये लोगों ने ताबा किया, यहाँ पे किराएदार है, बहुत से लोगों ने काउंटर बेच दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फैक्ट नहीं है। ये बस दिशा भूल करके लोगों को बेघर करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार कहती है कि भाई हम लोगों को, गरीबों को घर बना के देंगे, महाराष्ट्र शासन कहती है कि भाई मुख्यमंत्री आवास योजना में से हम गरीबों को घर बना के देंगे। अरे जब तुम गरीबों को घर बना के देंगे तो गरीब यहाँ बैठे हुए हैं ना, इनको क्यों खाली कर रहे हैं? और नोटिस लगा दिए 31 तारीख को रात में चोरों जैसे आके कि हम खाली करेंगे, दहशत का माहौल बना दिए। आज 8 तारीख है, सवेरे से लोग, हमारे माँ बहनों ने खाना नहीं बनाया, चूल्हे सब के बंद पड़े हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पे, सब लोग देख रहे हैं, मौजूद है। नहीं तो ये आप लोग ने इसमें जाके किसी अधिकारी से मीटिंग की है ये बारे में? देखिए जितना चैनल ग्रुप्स है, जितना चैनल की टीम्स है, जितने पत्रकार के टीम्स है, डेली 8 दिन से पत्रकार पूरी मदद कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, लोगों को पूछ रहे तुम्हारा क्या बोलना है। सभी लोगों ने बोला है कि भाई कलेक्टर साहब ने, तुम्हारे आयुक्त साहब ने, महापालिका के, इन्होंने लोगों से चर्चा करना चाहिए, हमको बुला के हमारे पास आके, ऐसा कुछ नहीं किए लोगों ने आके इस। और हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद है यहाँ पे, आइए उनसे बात करते हैं। बोले हमने
क्या, क्या बोलना है आपका? हमारे वही बोले कि हमारे को घर नहीं है, हम 35 साल से यहाँ है, हमारे मर्द नहीं है हमारे, फिर हम जाए तो ये किसको मिला था ये घर? हमारे मियाँ को। अच्छा, तो आपको भी आई है नोटिस कुछ? नहीं अभी नहीं। जो ये बड़ी नोटिस लगी थी उसके ऊपर, वो क्या, ये क्या, ये यहाँ पर इतने लोगों को पता है वो नोटिस में क्या था, वो कई की नोटिस? ये नोटिस, एक मिनट, ये नोटिस महानगर पालिका के जो बांध काम के आयुक्त है निक्कम साहब बोल के, इन्होंने रात में 11 बजे आके नोटिस लगाई। इसमें साफ तौर से लिखा हुआ था कि भी 8 तारीख तक घर खाली करना है, अगर 8 तारीख को घर खाली नहीं करेंगे तो हम GCP के द्वारा ये घर तुम्हारे तोड़ेंगे, बिल्कुल घर पूरे 300 क्वार्टर से तोड़ेंगे। तो लोग इसलिए दहशत में आए हुए हैं, दहशत में। ये किस तरीके से देखते हैं लेबर कॉलोनी पर? ये लेबर कॉलोनी को तो मैं बचपन से देख रहा हूँ, लोग रहते हैं यहाँ, कुछ PWD के लोग है तो बहुत ज़माने से लोग रहते हैं, अच्छी तरह रहते हैं। अभी ये समझो 8 दिन से 10 दिन से ये सब मसला चालू है, गर्मा गर्मी का माहौल है, लोग परेशान है, पहले लोग लॉकडाउन से परेशान है। हमारे साथ कुछ और भाई मौजूद है, भाई आपका नाम बोलिए। मेरा नाम करीम खान है, मैं इस शहर में विश्वास नगर लेबर कॉलोनी में करीब 25 साल से रहता हूँ। तो ये आज जो ये आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, एक जगह जमा हुए इतने सारे लोग, तो आप क्या करना चाहेंगे? हम ये बोलते हैं कि जो हमारे जिला महोदय कलेक्टर साहब हैं, उन्होंने रात के 11 बजे 11:30 बजे जो उन्होंने एक शाही फरमान जारी किए, उन्होंने जो चोरों के जैसे आके और उन्होंने जो पुलिस सुरक्षा बल लेके उन्होंने जो यहाँ पे आके होल्डिंग और वो बैनर लगाए, उससे लोगों के ऊपर दहशत का माहौल बना। उसमें से कुछ ऐसे भी पेशेंट थे जो शुगर, BP, कैंसर, इस तरीके के पीड़ित लोग थे, जो रात सुबह में जो देखे उन्होंने जो तो ताबड़तोड़ टेंशन ले लिए। टेंशन लेने से उनको सबको दवाखाना ले जाया गया और उस टेंशन से उनको काफ़ी मतलब यहाँ पे माहौल ख़राब हुआ, ख़राब होने के। अच्छा, तो आप ये बोलिए कि अभी जो इतने सारे लोग हैं, इसमें से कितने लोगों ने कलेक्टर के साथ मीटिंग की जाके? कलेक्टर साहब किसी से बात करने के लिए राजी नहीं, कलेक्टर साहब बोलते हैं पता नहीं उसमें से कौन सा माफिया इसमें लगा हुआ है, कौन सा नेता लगा हुआ है, कुछ ना कुछ तो उसको पावर मिला ना कलेक्टर को, जब तो कलेक्टर इतना बड़ा कदम उठाया। कलेक्टर तो बोले तो जिले का मालिक होता है, कलेक्टर को गरीब, कलेक्टर को तो कोर्ट का ऑर्डर है ना। आप में से किसी ने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया है? कोर्ट की दिशा इन्होंने गुल की है और कोर्ट की दिशा गुल करके इन्होंने क्या बताया कि मतलब हाई कोर्ट का आदेश है, जो कि मेंशन जो हमको स्टे मिला हुआ था अपने इसमें लेबर कॉलोनी में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिशा गुल करके ये बताया कि हम केस जीत गए, केस ऐसा कुछ जीते नहीं, अभी हमारा कोर्ट में चालू है केस। और हमारा इतना कहना है कलेक्टर साहब से कि जो तुम ये गलत काम कर रहे, ये काम मत करो, इतने लोग कहाँ जाएंगे, जो गरीब मजदूर बेसहारा बेवा लोग रहती हैं ये कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आप ही के लोग हैं, आप राजा हैं। आज 8 तारीख है तो अभी कुछ उनके तरफ से कार्रवाई हुई है प्रशासन की तरफ? अभी हमारे को सुनने को मिला कि 10 बजे वो लोग आने वाले थे, तो अभी 2 बजे का टाइम दिया उन्होंने, अभी पालक मंत्री साहब हमारे आए हुए हैं। हमारी अपेक्षा ये है कि हमारे जो पालक मंत्री साहब हैं वो लोक प्रतिनिधि हैं, वो चुने हुए मतलब हमारे सरकार में है और हमको उनसे बहुत आस है और इंशाल्लाह ताला हमको उम्मीद है कि वो हमारा पूरा साथ देंगे, हम गरीबों का साथ देंगे, जितने भी बेवा बेसहारा और छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं जिनके कोई कमाने वाला नहीं है, जो लोगों को घर में काम करके अपना जीवन व्यापन करती हैं, उनका कम से कम उनको साथ देना चाहिए। और हमारा इतना कहना है कि कलेक्टर साहब से कि कलेक्टर साहब आपके भी बाल बच्चे होंगे, अगर इनको सबको बेघर कर देंगे तो ये कहाँ जाएंगे, ये तो फिर आपके घर में आके बैठेंगे, आप ही के घर में आके बैठेंगे, जब तो मतलब फिर आप इनका इंतजाम करो और कहाँ जाएंगे इतने लोग हैं। बस मेरा कहना कलेक्टर साहब से इतना है कि मेहरबानी करके दहशत का माहौल मत बनाओ और जो कोर्ट में हमारे लोग पिटीशन दाखिल किए हैं, कोर्ट से निर्णय आने दो, फिर फैसला हो जाएगा। एक साथ इतने लोगों को कहाँ निकालेंगे, इतने लोग जाएंगे कहाँ? तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ पे लोगों के काफ़ी मसले हैं, उसको हल करने के लिए कलेक्टर या जो हमारे बड़े अधिकारी है, लोगों की यही डिमांड है कि आए एक बार इनसे मुलाकात करें, इनकी प्रतिक्रिया ले। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र टुडे, औरंगाबाद।